हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस आर। यहाँ पर हम जिस डिस्टेंस आर की बात कर रहे हैं, जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, वो चार्ज होता है, उसके कारण किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। तो जैसे जैसे हम उस पॉइंट को अलग अलग जगह पर लेते हैं तो डिस्टेंस बदलती रहती है, तो उस डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। इसे हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, दो तीन पार्ट में आपको बताता हूँ इसका। अब इसे हम पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के लिए। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी फार्मूले हैं, मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर देख सकते हैं। जैसे हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं और नॉन कंडक्टर मटेरियल का है, नॉन कंडक्टर मटेरियल का है तभी इसके पूरे वॉल्यूम में आप चार्ज रख सकते हैं। अब देखिए, इसका सेंटर वो है। अब इससे अलग अलग पॉइंट पर, जैसे कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, उस पॉइंट पर अलग अलग जगह इसके अंदर बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। तो अब इसके सेंटर से हम इसके सेंटर से यहाँ इसका सेंटर जैसे हम यहाँ ले रहे हैं सी, इस सेंटर सी से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट को अलग अलग जगह रखेंगे, उस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे और उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और उसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अभी मतलब आपको बताता हूँ मैं उसका ग्राफ कैसे हमें बनाना है। इसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट अंदर है, पहले बाहर देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट बाहर है एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, जो इंटेंसिटी से फार्मूला है इज इक्वल टू 1/4πε0k होता है, लेकिन फ्री स्पेस में हम ले रहे हैं तो फ्री स्पेस के लिए वन लेते हैं, या आप लिखना चाहे तो k लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऐसा मीडियम हो गया जिसका डायलेक्ट्रिक कोफिशिएंट k है, तो q अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल आर है हमारा, वो कैपिटल आर से बड़ा है। कैपिटल आर है इस स्फीयर का रेडियस। तो जो स्मॉल आर हम लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस सी से मेजर करेंगे, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर जब ज्यादा होगा तभी तो पॉइंट बाहर जाएगा। अब उसके बाद एट पॉइंट ऑन सरफेस, मतलब स्फीयर के सरफेस पे देखेंगे तो जो E की वैल्यू है 1/4πε0k इंटू क्यू अपान कैपिटल R स्क्वायर होती है। यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होती है। उसके बाद एट इंटरनल पॉइंट, जो E है हमारा ये 1/4πε0k इंटू क्यू अपान क्यू आर अपान आर क्यूब होता है। यहाँ पे पॉइंट अंदर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। अब देखिए, हम ग्राफ के बारे में बनाने के पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम इसी स्फीयर की बात करेंगे तो इसका चार्ज इस समय हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, मतलब इस सिचुएशन के लिए चार्ज कॉन्स्टेंट है, इसकी रेडियस आर कॉन्स्टेंट है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर E R की पावर 2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर R जैसे जैसे बढ़ेगा E की वैल्यू वैसे वैसे घटती चली जाएगी स्क्वायर के रेशियो में, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये पूरा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें, ये तो कांस्टेंट है ही, हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्यों कांस्टेंट हमने ले लिया, कैपिटल R भी कांस्टेंट है। अब देखिए, कैपिटल R भी जब कांस्टेंट हो गया, इस पर अगर हम देखते हैं तो इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू पान आर स्क्वायर में, यहां पे भी आर वेरी करेगा, यहां पर भी आर वेरी करेगा। तो यहां पे आर जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब पॉइंट हम जैसे जैसे दूर लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। इस वाले में ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्यू आर ये कैपिटल आर ये सब कॉन्स्टेंट है, तो ई यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, और आर घटेगा तो ई घटेगा। अब आप जैसे जैसे अंदर आएंगे तो सी से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं,
पॉइंट की, तो पॉइंट अगर आप अंदर ले रहे हैं, जैसे देखिए सी से आप मेजर करेंगे तो जैसे सर्फ इसे यहां जाएंगे तो आर बढ़ेगा भाई, यहां आप इधर भागेंगे तो आर बढ़ेगा, इधर आएंगे तो आर घटेगा, लेकिन अगर बाहर है तब ये फार्मूला यूज करेंगे, अंदर है तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर आप जैसे जैसे अंदर आएंगे आर कम होगा, जब आर कम होगा तो ई भी कम होगा। इसका मतलब सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उससे ज्यादा अगर आप उधर बाहर जाएंगे तब भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और उसके अंदर आएंगे तब भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करनी है आपकी। अब देखिए जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यह लाइन हमको यह बताती है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर। यहां पे हमको यह ए बताती है यह लाइन कि यहां पे ई मैक्सिमम है, यहां पे ई मैक्सिमम है और ये कांस्टेंट है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर हमको यह लाइन ये बताती है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये तो एकदम क्लियर हो गया। दोनों की पावर वन है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे आप देखो y बराबर mx आपको याद आ जाएगा, तो m अगर कांस्टेंट ले लें तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से जाएगी, मतलब ये ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो e प्रोपोर्शनल टू r है, दोनों की पावर n है, इसका मतलब e और r के बीच जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहां पर e r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर कोई कर्व बनेगा, वो कर्व भी हम बनाते हैं। देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे यहां से हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये मतलब ऐसे दिखाने के लिए, जरूरी नहीं कि आप स्फीयर ऊपर रखो, बुक में भी आप कैसे दिया रहता है, आप ग्राफ कहीं बाहर बना सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए इसे समझ में ज्यादा आएगा इससे। अब देखिए जैसे आप वो ले लीजिए ओरिजिन, यहां पे एक्स है और यहां पे एक्स डैश है, और यहां पर हम रखेंगे अपने आर को, और मान लेते हैं कि यहां पर यह लेंथ इस लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इस एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसे यहां लिख देता हूं इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब यहां पे लाइन ऐसे मतलब दिखा दी कि मैंने इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहां तक की लेंथ हम ले लेते हैं कि यह लेंथ ई की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, यहां से यहां तक की लेंथ हम ले लेते हैं कि यह ई मैक्स है, मतलब दिस वन इसकी वैल्यू है। अब ये थोड़ा ऐसे डॉटेड खींच देता हूं समझने के लिए। अब देखिए अब यहां पर डिस्टेंस आपका आर है, तो अगर मैं देखूं तो यहां पर इस पॉइंट पर जो हमारे आर की वैल्यू है वह कैपिटल आर के इक्वल है, यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। तो यह सिचुएशन, इस सिचुएशन को बताता है यहां पे कि ई मैक्सिमम है यहां पे, कब, जब स्मॉल आर बराबर आर है तब। तो आप चाहे तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इंटू सॉरी कामा ई मैक्स। अब जैसे देखिए आर को आप अगर आप जितना आर है इसका आप दो गुना कर देते हैं तो ई जो होगा आपका 1/4 हो जाएगा, तो डिक्रीज करेगा, तो मतलब आप कर्व ग्राफ बनाएंगे अगर तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे। अब कैसे हुआ है, आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई वैसे वैसे घटेगा और स्क्वायर के रेशियो में घटेगा, मतलब आर आप दो गुना कर देंगे, दो गुना बढ़ा देंगे तो ये आपका e जो होगा e/4 हो जाएगा, r को आप इस समय की अपेक्षा तीन गुना कर देंगे तो ये e जो होगा e/9 हो जाएगा। तो इनके बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे x ऑर्डिनेट y ऑर्डिनेट अगर आप पता करें तो x ऑर्डिनेट पर आपको r की वैल्यू मिलेगी और e और y एक्सिस जो मतलब y एक्सिस है आपका y ऑर्डिनेट है वो e को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू रख रख के इसमें r की वैल्यू रख रख के e की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू ज्यादा लेंगे ई की वैल्यू कम होती चली आएगी, क्योंकि ई की मैक्सिमम वैल्यू है, जो आगे वैल्यू मिलेगी वो इस वैल्यू से तो कम मिलेगी। तो यहां पर अगर हम इधर जाएंगे तो आर बढ़ाएंगे तो ई वाली वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो पॉइंट आपको इस तरफ से मिलेंगे, तो इस तरह से कर्व मिलेगा आपको यहां पे। और चूंकि ये पॉइंट थोड़ा रेंज के बाहर, हम उसको इनफाइनाइट मानते हैं, इनफाइनाइट का मतलब ब्रह्मांड में नहीं चले जाना, मतलब इसकी रेंज के बाहर, तो इसकी रेंज के बाहर हम इसे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे हम अनंत स्पर्शी बोलते हैं, ये जाके ऐसे आगे टच करेगी इसको। अब जो ए वाला है, अब इसके लिए ग्राफ बनाएं, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है,
यहां पर भी r जैसे जैसे कम होगा e की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी, लेकिन पावर वन के बेस पे, तो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे हम पीछे आएंगे तो अब भाई अंदर आ रहे हैं हम, अगर अंदर पॉइंट ले रहे हैं तो जो हमारा स्मॉल r है, स्मॉल r ये r से भी कम होता चला जाएगा और e की वैल्यू भी कम होती चली जाए, r कम होगा तो e भी कम होगा, तो पॉइंट हमको यहां पे मिलेंगे ऐसे। तो यहां पे मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब स्ट्रेट लाइन हमको इससे मालूम हुआ क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैं थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो अगर दो क्वांटिटीज हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनकी पावर वन है, तो उनके बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। उनमें से जैसे e इस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसकी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली कोई कर्व ही बनेगा, वह जो है स्ट्रेट लाइन तो कभी बन ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है आर के बीच हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब अगर हम देखें, अब देखिए यहां से एक टॉपिक मेरा पूरा हुआ, अब मैं दूसरा ले रहा हूं कि अगर यह स्फीयर नॉन कंडक्टर मटेरियल का ना होकर, नॉन कंडक्टर मटेरियल का ना होता, हम जैसे यहां पर हमने नॉन मतलब लिया था हमने चलिए एक नॉन कंडक्टर मटेरियल का था, अब हम कंडक्टर मटेरियल लेते हैं। अगर हम कंडक्टर मटेरियल ले लेंगे तब जो है यहां पे जो इस मतलब चार्ज होगा वो सिर्फ इसके सरफेस पे होगा। अब मैं इसे पूरा हटाने जा रहा हूं, अब देखिए जैसे सेकेंड वन है हमारा, अब हमारा स्फीयर अगर कंडक्टर मटेरियल का है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर सॉलिड स्फीयर, उस वाले मैंने लिखा नहीं था लेकिन वो नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के लिए था। अभी मैं कंडक्टर मटेरियल का स्फीयर ले रहा हूं, अगर मैं कंडक्टर मटेरियल का सॉलिड स्फीयर ले लूं या कोई स्फेरिकल सेल ले लूं, तो कंडक्टर मटेरियल का अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो चार्ज केवल उसके सरफेस पर ही होगा, चार्ज केवल उसके सरफेस पर होगा, अब उसके वॉल्यूम में नहीं होगा। अब ये खोखला है या ठोस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब स्फेरिकल सेल है तब भी सरफेस पर रहेगा और कंडक्टर मटेरियल है तब भी सरफेस पर रहेगा, इसमें ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, इसमें वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। रीजन, इसके बाहर तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इसी फार्मूले पर बेस्ड है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, और सरफेस के लिए सेम वही फार्मूला है, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, स्मॉल आर को कैपिटल आर हमने बोल दिया, ये दोनों फार्मूले सेम हैं, लेकिन स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टर मटेरियल का सॉलिड स्फीयर हो उसके भीतर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, ये जीरो होती है। तो इसका मतलब इस तरफ हमको कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अगर आप बनाना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे मिलेगी और क्या, आप अगर ले आते हैं तब ये पार्ट मिलेगा, मतलब आज कोई भी पॉइंट आप लेते हैं कितनी भी डिस्टेंस अंदर लेंगे ई की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो एक्स ऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है और वाई ऑर्डिनेट आपको जीरो मिल रहा है, तो वाई ऑर्डिनेट अगर जीरो है तो सारे पॉइंट आपको एक्स एक्सिस में मिलेंगे। तो आप चाहे तो इसे आप ऐसे ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, फिर यहां से टूटेगा डायरेक्ट, फिर यहां पे ऐसे आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो ये ग्राफ हमारा यहां पे इस तरह का, इसके लिए है आर इज ग्रेटर देन आर के लिए है, और यहां पे ये वाला पार्ट हमारा आर इज लेस देन आर के लिए है, और इस तरफ ऐसे मिलेगा। अब हम बात करते हैं, मैंने ये बोला है सॉलिड कंडक्टर स्फीयर के लिए भी है और स्फेरिकल सेल के लिए भी है। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारा ये स्फेरिकल सेल ना होकर कोई पॉइंट चार्ज होता तो उसके लिए क्या होता। अगर कोई पॉइंट चार्ज होता एकदम छोटा सा, एकदम पॉइंट छोटा सा चार्ज, तो अगर हम उसके लिए अगर चार्ज ले लेते तो इसे हम हटा देते हैं यहां से। अब इस पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज रखा गया है और छोटे से चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसी फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है। अब यहां पर रेडियस ओडियस सब खत्म, अब रेडियस ओडियस आपका सब खत्म हो गया। अब आप इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं, एक मिनट, मैं इसको पूरे थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, फार पॉइंट चार्ज, देखिए
ए और भी इंटरेस्टिंग है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है और आप डिस्टेंस आर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। अब आर आर की वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। पहले हमारे आर की वैल्यू एक बार जीरो हो पाई थी, पहले वाले में नहीं हो पाई थी, दूसरे बार सॉरी नॉन कंडक्टर स्फीयर वाले में आर की वैल्यू जीरो हो पाई थी, अब कंडक्टर वाले में नहीं हो पाई थी। अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी जीरो से इनफाइनाइट तक वेरी करेगी और इसी फार्मूले से इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर से, जैसे यहाँ पर हम कोई चार्ज प्लस क्यू रख दें और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इंटेंसिटी ई है, तो ई का ये फार्मूला जो है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है, तो अब यहाँ पर ई की जो वैल्यू है इसी फार्मूले से दी जाएगी। तो अभी भी ई हमारा आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ आपका इसी तरह का बनेगा ऐसे। यहाँ पे आपका डिस्टेंस आर है और यह आपका ई है और यहाँ पे आपका ई मैक्सिमम है, तो ई मैक्सिमम इससे एकदम पास में होगा जब आर की वैल्यू जीरो ले लेंगे। आर की वैल्यू जीरो का मतलब पॉइंट एकदम इससे सट जाए, तो अब आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जीरो होगी, मतलब इसे मैं इसे टच करता हुआ दिखाएंगे, मतलब क्योंकि एकदम सेट तो सकता नहीं, वो छोटा सा स्फीयर तो है ही, भले पॉइंट चार्ज हो लेकिन छोटा सा स्फीयर है वो, तो आर की वैल्यू एकदम तो जीरो खैर कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। तो अब अगर आर की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब तो हमने इसे ऐसे दिखा दिया क्योंकि आर की वैल्यू आप जीरो ले लेंगे तो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। देखिए इफ आर इक्वल टू जीरो देन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो पॉसिबल है नहीं, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे इफ आर टेंड्स टू जीरो देन ई विल बी टेंड टू इनफाइनाइट। तो इसे हम ऐसे दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे जाके इनफाइनाइट पे काट देगा उसको, तो ई मैक्सिमम हमको इनफाइनाइट पर मिलेगा, इनफाइनाइट पे। और यहाँ पे जैसे अगर हम ई की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ई की अगर आर जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो ई इनफाइनाइट की ओर, तो अगर ई जीरो की ओर टेंड करेगा तो आर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत दूर जाने पर जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा तब सॉरी ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे आप आर को ऊपर ले आओ ई को नीचे ले आओ, तो ई को जीरो करोगे तो आर इनफाइनाइट आपको मिलेगा, ये इसको इधर कैंसिल करेगा। तो ये हमारा ग्राफ बना है ई और आर के बीच किसी पॉइंट चार्ज के लिए, कि जब पॉइंट चार्ज से अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हमको मिलेगा। तो आई होप जो है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, तो फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करिए, लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।